सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो बेब्लेड बर्स्ट का सेवेंथ सीजन यानी कि बेब्लेड बर्स्ट कोर्ड स्ट्राइक ऑफिशियली एंड हो चुका है एंड इसी वजह से बेब्लेड बर्स्ट का एनिमे एक बार फिर से एंड हो गया है, जिसकी वजह से मुझे दोबारा एक और बार बेब्लेड बर्स्ट के सीजन के ऊपर रैंकिंग वीडियो बनानी पड़ेगी। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं बेब्लेड बर्स्ट के सभी सीजन को रैंक करने वाला हूँ एंड इस वीडियो में मैंने बेब्लेड बर्स्ट के सभी सीजन को उनकी स्टोरी लाइन के बेसिस पर रैंक किया है। मतलब जिस सीजन की स्टोरी लाइन अच्छी होगी वो इस रैंकिंग में ऊपर रैंक करेगा एंड जिस सीजन की स्टोरी लाइन बेकार होगी वो इस रैंकिंग में नीचे रैंक करेगा। तो अब जबकि मैंने तुम्हें बता दिया है कि इस वीडियो की रैंकिंग्स किस तरीके की होने वाली हैं, तो चलो अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो अब जो नंबर वन पोजीशन का सबसे बेस्ट बेब्लेड बर्स्ट सीजन है उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, बट अभी बात कर लेते हैं सेवेंथ पोजीशन पर रैंक करने वाले बेब्लेड बर्स्ट सीजन के बारे में, क्योंकि ये है बेब्लेड बर्स्ट कोर ड्राइव। अब ये सीजन बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्योंकि पहले तो जो इस सीजन का मेन प्रोटैगनिस्ट है यानी कि बेल, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है? लाइक सालों से ट्रेनिंग कर रहे लेजेंड्स को ये बंदा स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में ही हरा देता है। एंड फिर सेकंड प्रॉब्लम है इस सीजन का एंटैगनिस्ट रशाद, तो उसे बेल से अलग ही प्रॉब्लम है क्योंकि बेल को डार्क प्रिंस कहता है, तो रशाद उसे उसके नाम से जज करके एक बुरा इंसान समझने लग जाता है एंड ज्यादा हीरो बनने के चक्कर में वो बार बार बेल को हराने की कोशिश करता रहता है एंड इसी वजह से उसने बेल के परफेक्ट गियर डायनामाइट बेलियल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इस सीजन का एंटैगनिस्ट एक बहुत ही ज्यादा डम कैरेक्टर है जो कि इतनी सी बात में नहीं समझ पाया कि बेल ने ये निकनेम जस्ट कूल लगने के लिए चूज किया था। एंड वहीं इस सीजन का प्रोटैगनिस्ट अलग ही लेवल का स्ट्रॉन्ग ब्लेडर है, वो भी पता नहीं कैसे। तो इतनी बढ़िया स्टोरी होने की वजह से नहीं, एक्चुअली बहुत ज्यादा बेकार स्टोरी होने की वजह से ये सीजन इतना ज्यादा नीचे रैंक करता है। तो इसलिए चलो अब बात कर लेते हैं सिक्स्थ पोजीशन पर रैंक करने वाले बेब्लेड बर्स्ट सीजन के बारे में, क्योंकि ये है बेब्लेड बर्स्ट राइज। सो अब इस सीजन का कुछ पार्ट सच में काफी ज्यादा अच्छा था, जैसे कि डांटे एंड ड्रैगन का पावरफुल बॉन्ड, आर्मिन डेल्टा एंड डांटे की स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप जिसकी मदद से डांटे गुएन को ये बता पाया था कि ब्लेडिंग में हमेशा कैलकुलेशन एंड स्ट्रैटेजी की मदद से मैच को नहीं जीता जा सकता है। बट जो रीजन है जिसकी वजह से ये सीजन इतना ज्यादा नीचे रैंक करता है कि उन्होंने नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने की जल्दबाजी में सभी पुराने कैरेक्टर्स को हटा दिया एंड फिर उन कैरेक्टर्स के बदले में उन्हीं कैरेक्टर्स के स्पिन ऑफ वर्जन को इंट्रोड्यूस करवाया इस सीजन में, जैसे कि डेल्टा शू का स्पिन ऑफ था, फूमिया फ्री का अपोजिट वर्जन था, लोडिन लुई का स्पिन ऑफ वर्जन था। एंड इस सीजन के साथ सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जो नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे उनकी स्टोरी भी कुछ खास अच्छी नहीं थी एंड इसी वजह से ये सीजन बाकी बेब्लेड बर्स्ट के सीजन से ज्यादा कनेक्टेड फील नहीं होता है एंड यही रीजन भी है कि क्यों ये इतना ज्यादा नीचे रैंक करता है। तो इसलिए चलो अब बात कर लेते हैं फिफ्थ पोजीशन पर रैंक करने वाले बेब्लेड बर्स्ट सीजन के बारे में, क्योंकि ये है बेब्लेड बर्स्ट सर्ज। सो अब ये उन दोनों सीजन से ऊपर इसलिए रैंक करता है क्योंकि इसका सिर्फ एक रीजन है एंड वो है कि इस सीजन में ऑलमोस्ट सभी ओल्ड एंड वेल नोन ब्लेडर्स ने रिटर्न किया था, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा बैटल करता हुआ देखने में सच में बहुत ज्यादा मजा आता है एंड इसी वजह से इस सीजन में कई पुराने लेजेंडरी राइवल्स के बीच का बैटल भी हमें दोबारा देखने को मिला था, जैसे कि फ्री एंड लुई का बैटल एंड शू वर्सेस वॉल्ट का बैटल। नहीं तो इसके अलावा इस सीजन के प्रोटैगनिस्ट एंड एंटैगनिस्ट दोनों की ही स्टोरी लाइन अच्छी नहीं है, क्योंकि इस सीजन के जो दोनों प्रोटैगनिस्ट है वो अकेले तो बहुत ही ज्यादा वीक ब्लेडर्स हैं, लेकिन जैसे ही वो टैग टीम में साथ में बैटल करते हैं तो वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी ब्लेडर्स की टैग टीम को भी एक झटके में हरा देते हैं, वो भी अपने स्पेशल मूव प्लॉट ब्रेकर स्ट्राइक के साथ। एंड फिर जो इस सीजन का एंटैगनिस्ट है लेन वाला हाला, वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। चलो वो तो समझ में आता है कि इसके पास सबसे ज्यादा प्लॉट आर्मर होगा, लेकिन जो इसके मोटिव्स हैं वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आते, क्योंकि ये बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह बेमतलब में लेजेंड्स को बर्बाद या कहूं डिस्ट्रॉय करने निकल पड़ता है, वो भी बिना किसी रीजन के। एंड इसी वजह से बेब्लेड बर्स्ट सर्ज बस लेजेंड्स के दम पर फिफ्थ पोजीशन तक ही रैंक हो सकता है। तो इसलिए चलो अब बात कर लेते हैं फोर्थ पोजीशन पर रैंक होने वाले बेब्लेड बर्स्ट सीजन के बारे में, क्योंकि ये है बेब्लेड बर्स्ट कोर्ड स्ट्राइक। अब पहले तो इसमें भी बिल्कुल बेब्लेड बर्स्ट सर्ज की तरह कई सारे लेजेंडरी ब्लेडर्स ने रिटर्न किया था, लेकिन फिर भी ये सीजन बेब्लेड बर्स्ट सर्ज से ऊपर इसलिए रैंक करता है क्योंकि ये सीजन सिर्फ लेजेंडरी ब्लेडर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहता है, बल्कि जो इसका एंटैगनिस्ट है पैक्स, उसकी स्टोरी लाइन भी सच में काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि पैक्स बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन के टाइम से एक लेजेंडरी ब्लेडर बनना चाहता था एंड वो उसके काबिल भी था, लेकिन उसने खुद को कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया जिसकी वजह से उसके राइट आर्म में एक इंजरी हो गई जो कि कभी भी फुल्ली रिकवर नहीं हो सकती थी एंड इसलिए ही वो इतने सालों बाद दोबारा रिटर्न करता है अपने उस सपने को पूरा करने के लिए। लेकिन फिर भी
यह सीजन और ऊपर रैंक नहीं हो सकता है क्योंकि प्रोटैगनिस्ट की स्टोरी तो अभी भी वही है, यानी कि बस बहुत सारा प्लॉट आर्मर। तो चलो अब बात कर लेते हैं थर्ड प्लेस पर रैंक करने वाले बेबलेड बर्स्ट सीजन के बारे में, क्योंकि ये है बेबलेड बर्स्ट का सीजन 1। सो अब ये थर्ड प्लेस पर इसलिए रैंक करता है क्योंकि पहले तो इस सीजन की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि सभी कैरेक्टर्स को प्रॉपरली कैरेक्टर डेवलपमेंट मिला था। ऑल्दो इस सीजन के बैटल्स उतने ज्यादा इंटेंस नहीं थे जितने बाकी बेबलेड बर्स्ट के सीजन के होते हैं, बट फिर भी इतनी ज्यादा अच्छी स्टोरी लाइन होते हुए भी ये और ऊपर रैंक नहीं हो सकता क्योंकि जो सीजन जस्टिस के ऊपर रैंक करता है वो थोड़ी ज्यादा बेटर स्टोरी लाइन के साथ आता है। तो इसलिए चलो बात कर लेते हैं सेकंड पोजीशन पर रैंक करने वाले बेबलेड बर्स्ट सीजन के बारे में, क्योंकि ये है बेबलेड बर्स्ट टर्बो। सो अब बेबलेड बर्स्ट के सीजन 1 की स्टोरी लाइन बिल्कुल बेबलेड बर्स्ट टर्बो की स्टोरी लाइन जितनी ही अच्छी थी, लेकिन फिर भी टर्बो ज्यादा ऊपर इसलिए रैंक करता है क्योंकि पहले तो आइगर एंड एकिलीस का काफी ज्यादा अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ था बेबलेड बर्स्ट टर्बो में, कि कैसे वो दोनों डार्क पावर से फ्री हुए एंड कैसे वो दोनों साथ में मिलके वर्ल्ड चैंपियन बने। फिर इस सीजन में बहुत सारे बेबलेड्स भी डिस्ट्रॉय हुए थे तो उनका वो बैटल भी देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन इस सीजन में भी कुछ मेजर ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि आइगर को छोड़ के बाकी और किसी कैरेक्टर का भी डेवलपमेंट ढंग से नहीं किया गया। फिर जो इस सीजन का एंटैगनिस्ट है यानी कि फाय, उसकी आर्क तब तक परफेक्ट थी जब तक उसने हाइट को हरा दिया था, लेकिन जैसे ही वो हाइट को हरा देता है एंड अपने डिवाइस फीनिक्स को डेड फीनिक्स में इवॉल्व कर लेता है, तब पता नहीं क्यों वो अचानक से कहता है कि वो हर बेबलेड को एग्जिस्टेंस से वाइप आउट कर देगा। बेसिकली वो कह रहा था कि वो हर बेबलेड को डिस्ट्रॉय कर देगा, वो भी बिना किसी रीजन के। तो इसलिए अपने आप की सड़कों के गड्ढों से भी बड़े प्लॉट होल होने की वजह से बेबलेड बर्स्ट टर्बो नंबर 1 प्लेस पर रैंक नहीं हो सकता। तो इसलिए चलो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 पोजीशन पर रैंक करने वाले बेबलेड बर्स्ट सीजन के बारे में, क्योंकि ये है बेबलेड बर्स्ट एवोल्यूशन। सो अब बेबलेड बर्स्ट एवोल्यूशन नंबर 1 प्लेस पर इसलिए रैंक करता है क्योंकि उसकी एंटागनिस्ट की स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट थी। मतलब शू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर बनना चाहता था, लेकिन वो जितनी भी ट्रेनिंग कर लेता कोई ना कोई बस उसे हरा के चला जा रहा था, तो इसलिए वो सीधे तरीके से तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर नहीं बन पा रहा था, तो इसलिए उसने दूसरा रास्ता अपनाया एंड फिर वो रेक्रियम प्रोजेक्ट में ज्वाइन हो गया। मतलब बेबलेड बर्स्ट के सिर्फ 3 सीजंस के एंटागनिस्ट का मोटिव ही प्रॉपरली दिखाया गया है। लुई जस्ट एक चैंपियन था जिसे शू एंड वोल्ट हराना चाहते थे, शू सबसे ज्यादा पावरफुल बनने के लिए गलत रास्ते पर चल पड़ा था, एंड पैक्स तो जस्ट एक लेजेंडरी ब्लेडर बनना चाहता था जो कि वो पहले नहीं बन पाया था। वहीं बेबलेड बर्स्ट के 4 सीजंस के एंटागनिस्ट का मोटिव बिल्कुल ही अजीब था। मतलब ग्वेन कैलकुलेशंस की वजह से कॉमन सेंस भूल गया, रशाद हीरो बनने के चक्कर में गलत बंदे को ही पहले लगा, फिर लेन एंड फाय तो बिना किसी रीजन के ही इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे थे। एंड अब अगर मैं बात करूं इस सीजन के मेन प्रोटैगनिस्ट वोल्ट आओई के बारे में, तो वो सीजन 1 से ट्राई कर रहा था सबसे बेस्ट ब्लेडर बनने का, एंड इस सीजन के लास्ट एपिसोड में वो शू को हरा के सबसे बेस्ट ब्लेडर यानी कि वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। एंड वर्ल्ड चैंपियन तो बाकी प्रोटैगनिस्ट भी बने थे, लेकिन उनका ये मूवमेंट उतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं था क्योंकि वो बस एक ही सीजन के अंदर बिना ज्यादा मेहनत करे ही वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे, जबकि वोल्ट ने 2 सीजन कड़ी मेहनत करी थी तब जाके वो वर्ल्ड चैंपियन बन पाया था। तो इसलिए ही उसकी स्टोरी का इंपैक्ट ज्यादा रहता है बाकी प्रोटैगनिस्ट की स्टोरीज से, क्योंकि उसकी स्टोरी ज्यादा रश करके नहीं दिखाई गई थी। एंड तभी बेबलेड बर्स्ट एवोल्यूशन पूरी बेबलेड बर्स्ट सीरीज का पीक पॉइंट था। एंड यही थी आज की वीडियो बेबलेड बर्स्ट के सभी सीजंस की रैंकिंग के बारे में। एंड तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी एंड तुम्हारी क्या रैंकिंग्स होंगी बेबलेड बर्स्ट के सभी सीजंस के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ तुम कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि तुम्हारा फेवरेट बेबलेड बर्स्ट का सीजन कौन सा है, तो वो भी कमेंट करना मत भूलना। लेकिन अभी अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है या इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड मैंने अपना एक शॉर्ट चैनल भी बनाया है, उसे भी तुम चेकआउट कर सकते हो, उसकी लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर तुम्हारा कोई टॉपिक है जिस पे तुम चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो अपने उस टॉपिक को कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द तुम्हारे उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आ पाओ। बट अभी के लिए ऐसी और भी अमेजिंग एंड यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे मेन चैनल एंड मेरे एक्स्ट्रा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तो इसलिए सब्सक्राइब नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।